बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है। होली के दिन भागलपुर में 4 और मधेपुरा में 4 लोगों की शराब पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वहीं इस शराब के सेवन से एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है। तस्वीरें भागलपुर से हैं, जहां होली के दिन जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत हुई है। देर रात तक साहिबगंज में कुल 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा काटा और आगजनी की। भागलपुर में मृतकों की पहचान विनोद राय, संदीप यादव, नीलेश कुमार, मिथुन कुमार के रूप में की गई है। ये सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं अभिषेक कुमार की जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी चली गई है। हम वहाँ मायागंज में हाथ नहीं लगा, थोड़ा देर के बाद जब आखिरी हो गया तब खूब जब झगड़ा करने लगा तब डॉक्टर हाथ लगाया। एक सुई दिया, बस कहानी खत्म है। आँख का रोशनी भी गया था? आँख का रोशनी, आँख तब दिने से नहीं, आँख खोलिए नहीं रहा था, आँख खोलवे नहीं किया। वहीं इलाके में धड़ल्ले से बिक रही शराब और उससे हो रही मौतों से गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। शराब माफियाओं से परेशान लोगों का कहना है कि साहिबगंज में खुलेआम शराब बिक्री हो रही है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साहिबगंज के ही मुन्ना चौधरी व श्याम चौधरी पर शराब बेचने का आरोप लगाया है। घटना है कि यह साहिबगंज में दारू धड़ल्ले से प्रशासन की मिली भगत से बिक रही है। इसकी सूचना हमने एसएसपी साहब के मोबाइल पर फोन करके दिया, उन्होंने फोन नहीं उठाए। 4 बार 5 बार कॉल किए, फोन नहीं उठाया। उसके बाद प्रशासन को हमने लोग प्रशासन को सूचना दिए, ये लोग ना ही कोई कार्रवाई किया ना ही किसी प्रकार दारू का रोकने की प्रयास किए, जिसके कारण आज 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस प्रशासन कान में तेल लेके सोई हुई है। आज जिसका मर गया कि उसके लिए प्रशासन क्या भरपाई करती है, ये हम लोग को देखना है, इसलिए हम लोग जाम किए हुए हैं। आज खुलेआम दारू बिक रहा है और जहरीली शराब बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारी समाज की 4 व्यक्ति का मौत हो गया है, ठीक है। खुलेआम बेच रहे हैं दारू यहाँ, प्रशासन कुछ नहीं करती है, प्रशासन चुपचाप ताकती है, देखती है। विश्वविद्यालय थाना हमारे एसपी जो है यहाँ के डीएम है, देखते हैं। मतलब किसके यहाँ दारू? दारू श्याम चौधरी, मुन्ना चौधरी बगल में, सब अपना दारू एकदम पूरा बेचते, खुलेआम बेचते हैं। ये घटना कब की है? ये घटना हमारे यहाँ 2 दिन से चालू है, होली के दिन से। और ये कितने लोगों की मौत हुई? 4 लोग की मौत हो गए है, एक अभी जो है आईसीयू में भर्ती है। तो वहीं मधेपुरा के मुरलीगंज वार्ड 9 और दीघी पंचायत में होली के दिन जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हो गए। इन सभी को उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद इन सभी को एक एक करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान लोजपा प्रखंड अध्यक्ष चिराग गुट के नीरज, निशांत उर्फ बोआ, नागेंद्र सिंह के पुत्र परोकी सिंह और मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड 9 निवासी संजीव रमानी हैं। हालांकि शराब से मौत के बारे में पुलिस और परिजन इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए रात के अंधेरे में शवों का दाह संस्कार कर दिया। इनमें से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। और धड़ल्ले से दारू बिक रहा है। हम एक आध बार लिखित दरखास्त भी दिलिए, परसों हम फोन से भी कहलिए, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा मिली भगत से दारू से हर वार्ड में देसी और विदेशी बिक रहा है। अखन तो 4 नंबर वार्ड तो पूरा अड्डा बनल है देसी और विदेशी से। एहि पर की कहल जाए, हमरा गांव के तो हालत बहुत नाजुक है, बाहर में भी 10-20 आदमी छे इलाज में। एहि पर की हम सब कहब, अहाँ सबके द्वारा जे भी भए सके वो करियो। घटना के बाद पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई भले हैं कि कोनो कार्रवाई नहीं? तो 18 के वहाँ भले नागो बचवा के उम्र पर छे, 19 के ही भले, तो एक भी बार पुलिस नहीं लिया। हाँ, इलाका के सब लोग कहते हैं 10,000 लोग करीब भरल रहे पूरा रोड दरवाजा हर, जखनी से सुन लगे तखनी से। फिलहाल दोनों ही इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भागलपुर में कुछ लोगों का कहना है कि श्याम चौधरी ही शराब की तस्करी करता है। बता दें कि बीते 10 दिनों में भागलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने एक की भी मौत की पुष्टि नहीं की है। तो वहीं मधेपुरा के केस में परिजन और पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। मधेपुरा से राजीव रंजन और भागलपुर से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।